मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी दोनों ही बॉलीवुड के चमकते हुए रोशन सितारे हैं, जिनकी सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि जोड़ी भी काफी मशहूर रही है। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे थे और एक दूसरे के प्यार में पागल थे, मगर चाहते हुए भी ये दोनों कभी एक नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर एक दूसरे से इतनी शिद्दत वाला प्यार करने के बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी कभी एक क्यों नहीं हो सके? आखिर किस चीज ने इन दोनों को कभी एक नहीं होने दिया? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताकर इन सवाल को जवाब देते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी दोनों ने एक दूसरे के साथ ढेर सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें इन दोनों की एक्टिंग से लेकर केमिस्ट्री तक दर्शकों को खूब पसंद आई। इतना ही नहीं, ये दोनों जोड़ी के रूप में भी काफी शानदार रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये दोनों फिल्म जाग उठा इंसान में एक साथ काम कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति काफी अट्रैक्ट हो गए थे। और भले ही उस टाइम मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे, मगर एक समय के लिए ये सब भूल गए थे कि ये शादीशुदा हैं और खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे, जिसके बाद खबरें आई कि इन दोनों ने चोरी छुपे एक दूसरे से शादी कर ली है, जिसके बाद ये दोनों लगभग 3 सालों तक चोरी छुपे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रहे। मगर धीरे धीरे इन दोनों के प्यार की और शादी की खबरें बॉलीवुड में मशहूर हो गई और हेडलाइंस बनकर मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ योगिता बाली के सामने आ गई, जिन्होंने जब मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की खबरों को सुना तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो इतनी ज्यादा परेशान हो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने मिथुन को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते खत्म नहीं किए तो वो आत्महत्या कर लेंगी, वो भी अपने सभी बच्चों के साथ। जिनकी ये सारी बातें सुनकर मिथुन चक्रवर्ती का दिल दहल गया और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, जिसके बाद मिथुन ने अपनी सारी गलतियों को सुधारते हुए श्रीदेवी का दिल तोड़कर उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, जिसके बाद श्रीदेवी काफी समय तक डिप्रेशन में चली गई। मगर जल्दी श्रीदेवी को बोनी कपूर के रूप में उनका प्यार मिल गया और इस तरह जो मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी कभी एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार रहते हुए और डूबे हुए नजर आते थे, वो कभी एक ना हो सके। तो दोस्तों, आप सभी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।